हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट एट वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट एट वीडियो में प्रश्नावली 9.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि इन सबको हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देंगे। ये आपका त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो देख रहे हैं डी ई एफ इनकी क्रमशः भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु। तो डी आपका जो हो जाएगा बी सी का, और आपका ई जो हो जाएगा सी ए का, और एफ जो होगा आपका ए बी का मध्य बिंदु है। तो चलिए अब इन मध्य बिंदुओं से मिलाकर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है हमारे पास कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या हमें यहां साबित करना है? देख लीजिए, पहले में कह रहा है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कहां है आपका बी डी ई एफ, ये आपका बी डी ई एफ, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये दिखाना है बी डी ई एफ। अच्छा, दूसरे में क्या है, एरिया ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/4 होगा पूरे त्रिभुज, ये बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के, ठीक है। तीसरे में क्या दिख रहा है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये जो समांतर चतुर्भुज हो रहा है बी डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल 1/2 होगा पूरे त्रिभुज के। ये हमें तीन चीजें साबित करके दिखानी है। तो चलिए हम लोग अब इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं ये डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ये दिया है मध्य बिंदु है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो आपका बी डी होगा या सी डी जो होगा, बी डी या सी डी होगा, बराबर होगा और 1/2 होगा बी सी के, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, और चूंकि ई तथा एफ क्रमशः सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, कौन है, ई और एफ सी ए का और ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमें पता है कि हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से हम लोग ई एफ जो होगा या एफ ई जो होगा समांतर हो जाएगा बी सी के, या आपका एफ ई जो होगा समांतर हो जाएगा बी सी के, तथा एफ ई जो होगा 1/2 भी होगा बी सी के, ठीक है। कैसे होगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब देखिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं, कि एफ ई समांतर बी सी के समांतर है तो बी डी के भी समांतर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे हैं हम लोग एफ ई आपके बी सी के समांतर है तो बी डी के भी समांतर हो जाएगा, तथा एफ ई जो होगा वह बी डी के इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि देख लो बी डी 1/2 है बी सी का और यहाँ एफ ई जो है 1/2 है बी सी का, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है बी डी ई एफ। इस चतुर्भुज में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सम्मुख भुजा का एक युग्म
बराबर भी हो रहा है और समांतर भी हो रहा है, तो इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अतः 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 बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। पहले वाले में यही ना दिखाना था जी, तो हमने पहला वाला साबित करके दिखा दिया।